Question number 1. Identify the relationship between the pair of figures given on either side of and then find the missing figure. ये एक relationship दिया गया है figure A में, तो next figure में इसी प्रकार दूसरा relationship हमें बताना है. जैसे first है hockey, हम इस ball के साथ खेलते हैं, तो badminton को खेलने के लिए इस चार options में से हमें कौन सा option use करना चाहिए. A ball, B football, C cork, D. तो यहाँ पर हो जाता है correct answer option C, ball. Next question number 2. Find the odd one out. यहाँ पर चार options में triangle दिए गए हैं. Triangle के दोनों साइड से कुछ ऑप्शंस लगे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, एक ऑप्शन अलग है, चलिए देख लेते हैं. पहले ऑप्शन में हमारा सर्कल और स्क्वायर दोनों ट्रायंगल के चारों तरफ लगा हुआ है. सी वाले में भी हमारा सर्कल ट्रायंगल के ऊपर और ये बीच में लगा हुआ है, इसमें भी सर्कल ऊपर और ये बीच में लगा हुआ है. जबकि ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. तो दिस इज द ऑड वन आउट, सो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन C. Correct answer is option B is the odd one out. Next question number 3 में आगे बढ़ने से पहले चलिए इसके हम syllabus देख लेते हैं. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए International Reasoning and Aptitude Olympiad Class 3rd से, जो कि यह पेपर सिल्वर जोन ओलंपियाड के अंतर्गत इस पेपर्स के एग्जाम दिए जाते हैं, इसके सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे. चलिए इसमें सिलेबस से पहला हो जाता है सीरीज. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेशन इसमें चैप्टर्स रहेंगे. सीरीज में आ जाता है एनालॉजी, बोथ वर्ड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, ऑड वन आउट बोथ वर्ड बेस्ड एंड न्यूमेरिकल, इंग्लिश डिक्शनरी बेस्ड वर्ड अरेंजमेंट, मिसिंग लेटर्स एंड नंबर्स, जिससे 6 क्वेश्चंस होते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स, 18 नंबर्स के आ जाते हैं. नेक्स्ट हो जाता है कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिंबल, मैथ ऑपरेशन, इससे 3 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स 2 रहते हैं, मार्क्स 3 हो जाते हैं. नेक्स्ट हो जाते हैं अरेंजमेंट, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन टेस्ट, इससे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 5 हो जाते हैं. नेक्स्ट एनालिटिकल, एनालिटिकल में आ जाता है रैंकिंग, मिसिंग कैरेक्टर्स, बॉक्स कंटेनिंग सम नंबर्स, यू हैव टू फाइंड मिसिंग नंबर, इससे 3 क्वेश्चंस रहते हैं. पर क्वेश्चन 3 नंबर्स के होते हैं, तो टोटल मार्क्स 9 नंबर्स के हो जाते हैं. उसी प्रकार नन वर्बल इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल जो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन, सीक्वेंस ऑफ फिगर, कंफ्यूगेशन, फिटिंग पीसेस एंड और पीसेस, इन सभी से 3 क्वेश्चन होते हैं और इस क्वेश्चन 3 मार्क्स को 9 नंबर्स के हो जाते हैं. इसी प्रकार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन एंड डेटा हैंडलिंग, ये चैप्टर्स आ जाते हैं. इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चंस रहते हैं और ईच क्वेश्चन 3.5. एंड नेक्स्ट हो जाते हैं स्कॉलर जोन, जो कि ऊपर अभी हमने सिलेबस बताए हैं, उसी सिलेबस से स्कॉलर जोन से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 4.5 मार्क्स रहते हैं. तो इस प्रकार जो है स्कॉलर जोन में कुछ हाई थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस इस सीरीज में नहीं पूछे जाते. तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 30 हो जाते हैं एंड टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के पेपर रहते हैं और टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है. देखिए 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है और इंटरनेशनल रेसिंग एंड एप्टीट्यूड सिल्वर जोन के ये पेपर हम आपके साथ शेयर करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क देन लेटर सीरीज गिवन बिलो. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो चलिए देख लेते हैं. पहले हम सीरीज यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए देखें. फर्स्ट लेटर हम देखते हैं सी डी ई एफ, ये सीरीज वाइज चल रहा है, तो ई एफ के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, जी. अब नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, एम एन ओ पी, फिर क्या हो जाता है क्यू,
सीरियल वाइज चल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए जी और क्यू। जी और क्यू हमारा ऑप्शन आ रहा है डी में, सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द नंबर पैटर्न गिवन। ये नंबर पैटर्न गिवन आपका दिया गया है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको लार्ज कर देती हूँ क्वेश्चंस को, ये आपको थोड़ा सा व्यवस्थित दिखे। चलिए अब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। इसमें कौन सा नंबर पैटर्न चल रहा है जहाँ पर यहाँ क्वेश्चन 4 में क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2, 5, 3 दिया है और अंदर 4 दिया है, तो यहाँ पर हो जाता है 5 + 2 = 7, 7 - 3 = 4। तो क्या हो गया 7 - 3 = 4, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, बाहर के दोनों को प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो हमारा ये बीच वाला प्राप्त होगा। उसी प्रकार 8 और 3 = 11, 11 में से 4 माइनस किए तो हमको 7 मिल गया। इसी प्रकार 5 + 3 = 8, 8 में से 2 गया तो -6, तो 8, 5 + 3 - 2 = 6। इसी प्रकार 12 + 7 = हो जाएगा 19, और 19 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए क्या 10। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा 10, और 10 ऑप्शन हमारा बी में आ रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। इन द रो ऑफ 13 बॉयज आई एम 5th फ्रॉम राइट, तो माई पोजिशन ऑफ लेफ्ट इज। चलिए इसकी इस तरह एक हम सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पर है आपका एक लाइन हमने खींच दिया ऐसा, 13th बॉय है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 ये बॉय से आई एम 5th फ्रॉम राइट, यानी राइट इधर हो जाता है, ये पोजीशन हो जाता है राइट, और ये इधर हो जाता है लेफ्ट। अब यहाँ पर हमारा पोजीशन जो है 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा पोजीशन है। तो लेफ्ट की तरफ से हमारा कौन सा पोजीशन ये पूछा जा रहा है, तो चलिए काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लेफ्ट की साइड से हमारा 9th पोजीशन है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन फिगर गिवन बिलो, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको अलग अलग कलर में लूंगी कि जिससे आपको समझ में आ जाए कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं। पहला हो रहा है ये बाहर के ट्रायंगल हैं, देखिए ये ट्रायंगल बाहर के हो गए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4 के बाद ये वाले हो गए 5, 6, 7, 8, और लास्ट में हमारा हो जाता है ये अंदर, ये हमारा हो गया 9। तो टोटल ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हो जाता है 9, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज आई वॉज स्टैंडिंग फेसिंग एन इलेक्ट्रिक पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली ऑफ माई लेफ्ट साइड, विच डायरेक्शन वॉज आई फेसिंग। चलिए इसको हम समझते हैं। सनराइज इन द ईस्ट, वन आफ्टर सनराइज तो सन द सन राइज इन द ईस्ट, सो इन मॉर्निंग द शैडो फॉल्स टूवर्ड्स द वेस्ट। Now the shadow of pole falls in my left side, so therefore my left side is the east, so I is facing north. तो मैं कहाँ पर हूँ, मेरी facing कहाँ पर हो जाएगी, north पे, so correct answer क्या हो जाएगा option C, north. Next question number 8. Identifying
the relationship between the pair of figure on other side and then find the missing figure. देखिए ये फिगर जो है इससे हमारा ये सेम फिगर बन रहा है, यानी नीचे वाली फिगर जस्ट हो जा रही, ऊपर वाली उलट के इसके ऊपर खड़ी हो जा रही है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट फिगर एज इट इज रहेगा, देखिए फर्स्ट फिगर एज इट इज रहेगा और सेकेंड वाला फिगर जो है उलट कर सीधा हो जाएगा। तो सेकेंड वाला फिगर क्या होगा, ऐसे उलट कर ये भी सीधा हो जाएगा और दोनों साइड के बॉक्स जो सेम हो जाते हैं, तो दोनों तरफ इधर हमारा दोनों तरफ कलर हो जाएगा। तो इस तरह के जो ऑप्शन है ये हमारा कलर हो जाएगा, ये वाला बॉक्स ये दोनों खाली हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, में चलिए हम समझते हैं पहले क्या पूछा जा रहा है। द दिव्या इज मेकिंग द दिस कैलेंडर फॉर द बुलेटिन बोर्ड, विच डे ऑफ द वीक शुड बी 27 फरवरी 2000। अगर दिव्या ने एक कैलेंडर बुलेटिन बोर्ड का कैलेंडर बनाया है तो 27 फरवरी को वीक का कौन सा दिन होगा। चलिए यहाँ पर वीक का दिन दिया गया है और इसको हमने आगे ड्रॉ कर लिया है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, चूँकि हमारा वेडनेसडे को फर्स्ट तारीख हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सैटरडे को हमारा 11th तारीख हो रहा है। इसी तरह हमने कंटिन्यूस किया तो 27 को पूछा जा रहा है, 27 को क्या हो रहा है, मंडे। ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए 27 को हमारा मंडे हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एबेकस शो द नंबर मोर देन 4000। इसमें से 4000 से कौन सा एबेकस ज्यादा है, चलिए इसको हम काउंटिंग करके देख लेते हैं। ये हमारा हो जाता है 1, 2, 3, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5, 5 एंड 3, तो 3553। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जा रहा है 4, 3, 2, 1, यहाँ पे हो रहा है 3, 5, 3, 2 एंड डी ऑप्शंस में हो रहा है 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द 4320। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, सिल्वर जोन ऑल ऑफ ग्रेड के अदर सब्जेक्ट के और अदर क्लासेस के भी सैम्पल पेपर एंड सिलेबस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू।